गायत्री महामंत्र ओम सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री नमो नमः। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, दोनों हथेलियों में उष्मा आ जाए, अपनी आंखों पर लगाएंगे और महसूस करेंगे दोनों हथेलियों से प्राण शक्ति हमारे दोनों आंखों में जा रही है। पूरे फेस का मसाज करेंगे, दोनों हथेलियों के बीच में आंखें खोलेंगे। हरिओम तत्सत। आप सभी थैंक यू सर जी। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट के जो 15 मिनट्स बचेंगे ना, तो उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो वैलिडिटी तक हो गया था हमारा, है ना? लेवल ऑफ मेजरमेंट हो गया था, याद है सबको कि छुट्टियां छुट्टियों में बीत गई आपकी? याद है ना? याद है ना? ठीक है, चलिए। तो वैलिडिटी हो गया था हमारा, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से क्या समझते हैं आप लोग? ये आदमी बहुत रिलायबल है या रिलायबिलिटी, बस एक हम रिसर्च के टर्म में बाद में बात करेंगे। ऐसे आप लोग क्या समझते हैं, बहुत रिलायबल है तो इसका मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना कि बहुत रिलायबल आदमी है, विश्वसनीयता। ठीक है, और ठीक है, बहुत विश्वास करने लायक है। तो विश्वास कैसे होता है हम लोग को किसी के ऊपर? मान लीजिए मैं आपको 10 रुपए का नोट दी, ठीक है, आपने मुझे लौटा दिया, आपको फिर से जरूरत हुई, आपने फिर से मेरे से मांगा, फिर से मैं आपको 10 का नोट दी, फिर से आपने मुझे टाइम पे रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप रिलायबल हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना? तो इसी को इंग्लिश में जो है कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कि मतलब जो है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो जैसे कि मैंने आपको पहली बार 10 रुपए का नोट दिए, फिर से आपने मुझे टाइम पे वापस कर दिया, फिर से आपने लिया, फिर से मुझे टाइम पे वापस कर दिया, तो इसका मतलब जो बार बार आप जो है मुझे एक तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब मैं आपको विश्वास करके 10 रुपए का नोट दे रही हूँ, तो आप भी अपने अपने टाइम लिमिट के पहले ही मुझे वापस कर दे रहे हैं या विदिन टाइम लिमिट तक मुझे वापस दे दे रहे पैसे, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि आप रिलायबल हुए। इसी तरह रिसर्च में क्या होता है कि हम कोई रिसर्च करते हैं और उसकी जब हम उसको बार बार करते हैं, उसी रिसर्च को जब हम बार बार करते हैं और हमें वही रिजल्ट आता है, तो उसको उसको कहते हैं कि रिलायबल रिसर्च है, उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। किसी रिसर्च की रिलायबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है कि हम उसको कितनी बार भी करेंगे, आज कल करें, परसों करें, या कभी भी करें, यहाँ नॉर्थ में करें, साउथ में करें, तो उसका रिजल्ट जो है कंसिस्टेंसली जो है बराबर आ रहा है, सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है उसका, ठीक है? या नहीं तो नॉन सिग्निफिकेंट भी आ रहा है तो वो भी चलेगा, हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होता है रिसर्च, ठीक है? तो नॉन मतलब एक ही तरह का रिजल्ट वो बार बार दे रहा है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, फर्स्ट में भी जो है फर्स्ट डिवीजन लेके आया, सेकंड में भी फर्स्ट डिवीजन लेके आया, थर्ड में भी फर्स्ट डिवीजन लेके आया, तो वो क्या है, उसकी जो पढ़ाई है उस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ वो टेंथ करेगा तो वो टेंथ में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो हमेशा फर्स्ट डिवीजन ही करते हुए आ रहा है, ठीक है? तो उसी तरह ठीक रिसर्च में जो है जब हम रिजल्ट की बात करते हैं और रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होता है, मतलब एक ही तरह का रिजल्ट बार बार आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि जो रिसर्च की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कंसिस्टेंसी, जो रिजल्ट आ रहा है वो कंसिस्टेंसली उसने मेंटेन किया हुआ है उस चीज को, उस रिजल्ट को। अब रिलायबिलिटी भी क्या होता है कि बहुत तरह के का होता है, एक तरह की नहीं होती है, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। तो इसमें क्या है, देखिए जैसे कि मैं आपको बताया कि रिलायबिलिटी होता क्या है, मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट,
जो आपका मेजरमेंट है रिसर्च का, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा रहे हैं, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, वो मतलब आप कितना बार भी उस रिजल्ट को कर रहे हैं तो वो जो है मेंटेन रखा है, रिजल्ट वही वही आ रहा है, वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो बार बार चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आपके मतलब जो पहले रिसर्च हुआ था, यानी तो उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल होंगे, मतलब बहुत सारा चीज हो, यानी तो हो सकता है उसका सैंपल साइज कम हुआ होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं रिसर्च के रिलायबल नहीं होने का। ठीक है, अब रिलायबिलिटी जो है हम कैसे चेक करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिसर्च जो है रिलायबल है या नहीं है, तो इसमें बहुत तरह के टेस्ट है। जैसे वैलिडिटी हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी बहुत तरीके के थे, उसी तरह टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी भी बहुत तरीके के हैं। जैसे आपका टेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटर रेटा रिलायबिलिटी। तो इस इन सब का क्या है कि जैसा हमारा रिसर्च होता है उस तरह का रिलायबिलिटी हम लगाते हैं। तो अभी आप बस इतना समझिए कि ये रिलायबिलिटी होता क्या है। जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसका यूज। ऐसा नहीं कि एक रिसर्च में सिर्फ एक ही रिलायबिलिटी का यूज होगा, क्योंकि रिसर्च अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई सर्वे रिसर्च कर रहा होता है, कोई कोई स्केल डेवलपमेंट कर रहा होता है, कोई आरसीटी स्टडी मतलब जो है कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहा होता है, तो हर तरह की स्टडी में रिलायबिलिटी भी अलग अलग तरीके का लगता है। एक ही रिलायबिलिटी सारे स्टडी में नहीं नहीं लगता है, तो इसीलिए रिलायबिलिटी के इतने सारे टाइप्स हैं आपके। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है। सबसे पहला हमारा यही है, तो जैसा कि नाम है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है कि मेजरमेंट इज डन ट्वाइस एंड कोरिलेशन बिटवीन दोज टू मेजरमेंट। ठीक है, कोरिलेशन में पढ़ाई हो क्या आप लोगों को? नो मैम। नो नहीं मैम। मैम। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको मोटा मोटी समझा देती हूँ, ये बाद में फिर से आएगा ये टर्म हमारे पास। कोरिलेशन का मतलब जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, काउज एंड इफेक्ट होता है, मतलब कि योगा एक काउज है और उसका इफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है। लेकिन कोरिलेशनल स्टडी में काउज एंड इफेक्ट नहीं होता है, उसमें हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन कैसे देखते हैं कि दो दो वेरिएबल साथ साथ जाए, मतलब साथ साथ जो है, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कोविड का एग्जांपल ले लीजिए। जब कोविड आया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा या घटा? बढ़ा। बढ़ा। तो जितनी बार कोविड बढ़ता गया उतना बार जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी मेरा बढ़ता गया। ठीक है, तो दोनों क्या क्या हो रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, कि मतलब कोविड भी बढ़ता जा रहा है, मेरा एक वेरिएबल कोविड है, दूसरा वेरिएबल अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ये चीज, तो दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, जितनी जितना कोविड बढ़ता जा रहा है उतना अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, कि कोविड भी बढ़ता जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ चीज ऐसा भी होगा कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, बहुत सारा चीज जैसे कि कोविड और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब अगर हम निगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो आप मान के चलिए कि कोविड के साथ साथ कौन सा चीज था जो घटा था जब कोविड हुआ था? एनवायरनमेंट पे इफेक्ट मैम, एम्प्लॉयमेंट। पर्यावरण पे मैम, मतलब हाँ, जितनी बार एयर कोविड बढ़ता पॉल्यूशन जा रहा था माइक्रो उतना बार पॉल्यूशन। जो है हमारा पर्यावरण जो है वो अच्छा होते होता जा रहा था। ठीक है, तो लेकिन ये भी तो दोनों साथ साथ चल रहे थे ना, अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए मुझे एग्जाम्पल। मैम यदि फिजिक्स में ले तो मैग्नेट, जैसे मैग्नेट को जैसे जैसे दूर करते जाते हैं उनका भी जो चुंबकत्व रहता है वो कम होते जाता है। हाँ, तो कोरिलेशन है मेनली हम लोग जो है रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो इसमें पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और नो नो कोरिलेशन होता है। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं इसको। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब हुआ कि दोनों वेरिएबल में या नहीं तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे, या नहीं तो दोनों नीचे की तरफ जाएंगे तो निगेटिव कोरिलेशन हो गया, और या नहीं तो दोनों में कोई रिलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो मेनली जो है ये रिलेशनशिप करता है सो। ठीक है, कि रिलेशनशिप क्या है आपके दो दो वेरिएबल में, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वो कैसे एसोसिएट है, पॉजिटिव एसोसिएट है कि निगेटिव
एसोसिएशन है या कोई एसोसिएशन ही नहीं है। तो इसमें क्या है टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी में कि एक ही जो मेजरमेंट है ना उसको बार 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 मतलब स्टैटिस्टिकली बार बार किया जा रहा है, ठीक है, स्टैटिस्टिकली हम जो है बार बार कर रहे हैं, मतलब एक बार किया उसके बाद फिर से किया हमने उसको टेस्ट, ठीक है। ये देख लीजिए मैं पूरा पढ़ देती हूँ उसको, फिर से मैं समझाती हूँ आपको कि मेजरमेंट इज डन ट्वाइस एंड कोरिलेशन बिटवीन दोज टू मेजरमेंट टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी ड्यूरिंग द टेस्ट रिटेस्ट पीरियड इट इज एज्यूम दैट नो चेंज हैज हैपेंड टू द सब्जेक्ट ड्यूरेशन बिटवीन टेस्ट एंड रिटेस्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंस्टेंट स्टेट और ट्रेड कंस्टेंट, ठीक है। तो अब ये देखिए ये जब टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी आती है तो मतलब हम एक बार किया हमने टेस्ट उसके बाद फिर से उसको रिटेस्ट किया, ठीक है, फिर से हमने टेस्ट किया फिर से हमने रिटेस्ट किया, तो इससे क्या होता है कि हम बार बार इसको कंटिन्यू चेक कर रहे हैं ना कि क्या रिजल्ट सेम आ रहा है कि ये जो है चेंज हो रहा है। तो ये सबसे जो है मतलब सबसे सबसे जो मतलब लो ग्रेड का रिलायबिलिटी हम बोलते हैं या मतलब कि जो जो सबसे ज्यादा किया जाता है या जो सबसे मतलब ऐसे तो हर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हर वेरिएबल मतलब हर एक्सपेरिमेंट पे अलग अलग आता है, तो ये सबसे पहला है, ये सबसे मिनिमम वेटेज वाला है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कि एक ही मेजरमेंट को हम बार बार कर रहे हैं। जैसे कि मैं रिलायबिलिटी का आपको मतलब बताई थी कि एक ही चीज को बार बार उसका रिजल्ट जो है कंसिस्टेंसी आना चाहिए, तो ये जो है सबसे पहला एग्जांपल है आपका टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कि एक ही मेजरमेंट को हम बार बार कर रहे हैं, मतलब एक बार किया फिर से उसको रिटेस्ट हुआ फिर से उसको रिटेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपका जो इसी को हम बोलते हैं टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ में होता है कि क्वेश्चन एयर जो आपका क्वेश्चन एयर है ना, जैसे कि कल मैं PHQ 9 दिखाई थी प्रीवियस क्लास में, कल तो क्लास नहीं हुई थी, तो उसमें जो है क्वेश्चन एयर क्या नाम क्या था लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन एयर यूज किया है, मैं आपको ग्रुप पे भी डाली थी वो वाला PHQ 9, ठीक है, और वो किसके लिए था, किस चीज को नापता था वो, एंजाइटी प्रेशर, वो डिप्रेशन के लिए था, वो एंजाइटी नहीं था, वो डिप्रेशन स्केल था वो, ठीक है। तो क्वेश्चन ईयर वही हो गया आपका PHQ 9। तो अब PHQ 9 में जैसे 9 क्वेश्चन ईयर्स है, ठीक है, तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में हम क्या करते हैं कि उसको हाफ कर देते हैं, मतलब जैसे 9 क्वेश्चन ईयर थे तो हो सकता है कि 5 इधर आ जाए 4 इधर इस तरफ आ जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है उसको फिर से हम टेस्ट करते हैं, मतलब पहली बार तो हमने पूरा कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर से जो है हमने आधा आधा बांट लिया क्वेश्चन एयर को, इसमें लिखा है ना कि आइटम इन अ क्वेश्चन एयर आर स्प्लिट इनटू टू हाफ्स एंड कोरिलेशन बिटवीन दोज टू हाफ्स स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो सिंस द होल क्वेश्चन एयर इज असेसिंग वन कंस्ट्रक्ट आइटम्स ऑफ दैट टू शुड कोरिलेट अमंग देमसेल्फ। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए PHQ 9 को हम लोग लेते हैं, तो PHQ 9 नाप क्या रहा है, डिप्रेशन नाप रहा है, तो उसमें जितने भी 9 क्वेश्चन है वो तो डिप्रेशन से रिलेटेड ही है आपके, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि इसको दो भाग में बांट लिया। जैसे मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन इस तरफ आ गए, 5 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आपके राइट हैंड साइड में आ गए और 5 क्वेश्चन आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, और फिर उसको अलग अलग जो है हम बार बार क्या कर रहे हैं उसको जो है स्प्लिट हाफ मीन्स उसको बार बार जो है उसको हाफ करके हम देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कि पहले हम 5 का देख रहे हैं फिर हम 4 का देख रहे हैं, फिर से हम पहले हमने 9 का पूरा देखा कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर हमने 5 का देखा फिर हमने 4 का देखा, तो इस तरह से क्वेश्चन एयर को तोड़ के देखते हैं हम कि उसका रिजल्ट बार बार कैसा आ रहा है। तो इसीलिए स्प्लिट मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, तो इसको क्योंकि हाफ में इसको स्प्लिट कर दिया जाता है क्वेश्चन ईयर को, इसीलिए इसको कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, मतलब क्वेश्चन ईयर को जो है इसको हाफ करके कि इसका रिजल्ट एक बार तो हमने फुल में देख लिया, एक बार फिर हमने हाफ करके देखा कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्योंकि नाप तो रहे हैं वो 9 क्वेश्चन, क्या चीज का सिंबल है कि हम उसको डिप्रेशन नाप रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ईयर तो नाप जो कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट क्या है, डिप्रेशन है, नाप तो रहे हैं हम एक ही डिप्रेशन, क्वेश्चन 9 है, तो उसको फिर हम अगर आधा आधा बांट के फिर से नापते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारा जो है टेस्ट रिजल्ट क्या आ रहा है।
तो जब हम इस तरह से रिलायबिलिटी लगाते हैं तो उसको बोलते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी होता है आपका कि परफॉर्मिंग स्प्लिट हाफ इन डिफरेंट वे एंड देन कैलकुलेटिंग द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम क्रॉम्बैक अल्फा ऐसे, ये क्रॉम्बैक अल्फा बहुत कॉमन टर्म है। इंटरनल कंसिस्टेंसी शायद बहुतों को नहीं समझ में आए, लेकिन ये क्रॉम्बैक अल्फा ही हम एक्चुअली यूज करते हैं। ठीक है, कि परफॉर्मिंग स्प्लिट हाफ। अब देखिए, पहली बार मैंने क्या बोला कि जो क्वेश्चन एयर जो है आपका, एक हमने लेफ्ट साइड में 5 क्वेश्चन ले लिए, एक हमने राइट साइड में जो है 4 4 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है आधा आधा करके उसका वैल्यू देखिए। लेकिन क्रॉम्बैक अल्फा में क्या होता है कि आपका जो है उसको बहुत तरीके से, मान लीजिए कि हो सकता है कि जो है हमने राइट साइड में जो है 3 3 ले लिया, फिर से हमने ले लिया 3 तो 6 6 हो गए, फिर जो है हमने जो है लेफ्ट साइड में ले लिया, मतलब इस तरह करके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको हाफ कर लिया हमने। परफॉर्मिंग स्प्लिट हाफ इन डिफरेंट वे एंड देन कैलकुलेटिंग वन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो ये हम लोग बहुत यूज करते हैं अपने रिसर्च में, ये मैंने अपने रिसर्च में भी यूज किया है क्रॉम्बैक अल्फा। तो ये क्रॉम्बैक अल्फा में क्या होता है कि आप जब ये जो जितना भी एनालिसिस होता है ना, वो तोड़ना आपको नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर करती है आपको। जैसे आप जैसे ही क्रॉम्बैक अल्फा यूज करेंगे अपने स्टैट्स में, तो ये सॉफ्टवेयर का काम है, मतलब ये आप फिजिकली नहीं करते हैं, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो जब हम क्रॉम्बैक अल्फा लगाते हैं तो उसमें ये वैल्यू आता है कि 0.90 है, तो एक्सीलेंट आया। कि अल्फा का वैल्यू जो जब हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो हमें वैल्यू मिलता है। तो अल्फा वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। तो ये वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 तक का होता है। अगर 0.90 आया है तो उसको एक्सीलेंट बोलते हैं। ग्रेटर देन 0.80 है तो वो वेरी वेरी गुड हो गया, 0.70 है तो गुड हो गया, 0.60 है तो फेयर हो गया। और अगर 0.60 से कम आया है, 0. मान लीजिए कि इतना आ गया है आपका, तो फिर वो, फिर उसकी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है या जो क्रॉम्बैक अल्फा है, फिर पुअर है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये रिजल्ट जो है मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है इस रिजल्ट में। अगर हम फिर से दोबारा से करेंगे तो इसका मतलब है कि रिजल्ट की मतलब कि रिसर्च की रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। तो अधिकतर हम क्रॉम्बैक अल्फा यूज यूज करते हैं अपने रिसर्च में, ये अच्छा माना माना जाता है। ठीक है, और इसका क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी दिया हुआ है, तो इसके जब सॉफ्टवेयर हमें निकाल के देती है अल्फा का वैल्यू, तो हमें ज्यादा समझ में आता है कि हमारा रिलायबिलिटी कैसा है। ठीक है, तो इसको क्रॉम्बैक अल्फा के तौर पे याद याद रखिएगा। देखिए, आपको नेट के लिए रिलायबिलिटी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन इतना घुमा के देता है कि आप अगर नहीं जानेंगे तो फिर आप वहां पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं पूछेगा कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या है या टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या है, लेकिन हाँ कभी कदाल क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा नहीं पूछेगा कि जो है मेरा क्रॉम्बैक अल्फा 0.90 आया है तो जो है हमारा वो एक्सीलेंट हो गया, या 0. इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको ये सारे वर्ड पता होनी चाहिए कि कभी भी रिसर्च पे आ जाता है क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, ये देखिए इंटररेटर रिलायबिलिटी। इंटररेटर रिलायबिलिटी मैंने आपको कहा था कि पायलट स्टडी जो मॉड्यूल वैलिडेशन कैसे करते हैं, पता है आपको, एक बार मैं आपको बताई भी थी कि उसका पेपर पढ़िए आप लोग। मान लीजिए कि आपने डायबिटीज पे अभी आपने आज रिसर्च किया है, मेडिटेशन टेक्निक में आपको देखना है कि आपने कुछ टेक्निक बनाया, खुद ही अपना टेक्निक बनाया। ठीक है, मेडिटेशन टेक्निक जो है खुद का आपने बनाया, आपको लगा कि मैं कुछ अपना ही कुछ डेवलप करूं। ठीक है, तो आप कैसे कैसे करेंगे डेवलप, तो उसके लिए आपको इंटर रेटर रिलायबिलिटी, जब भी हम कोई स्केल डेवलप करते हैं या कोई मॉड्यूल डेवलप करते हैं या कोई कोई भी स्केल डेवलपमेंट, मॉड्यूल डेवलपमेंट, कुछ भी कोई भी चीज का, जब हम रिसर्च पे किसी भी चीज का डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें हम जो है इंटर रेटर रिलायबिलिटी लगाते हैं। जैसे मैं पायलट स्टडी की थी कि आप लोग जो स्क्रीन टाइम यूज करते हैं ना, मेरा स्टडी इसी के ऊपर है। ठीक है, स्क्रीन टाइम के ऊपर ही है। तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होता है कि आपका जो है, जैसे कि मैंने स्टडी किया, मुझे लगा कि मैं एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करूं
जिसको आप एक ऐसा प्रोटोकॉल तैयार तैयार करो कि जिस जो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या जो बहुत ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं या जो होम स्कूलिंग करते हैं, मतलब इस तरह के बच्चे जिनका स्क्रीन पे बहुत ज्यादा टाइम बीतता है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ ऐसा मॉड्यूल बनाओ जिससे जो है उनको फिजिकली, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब हम बहुत स्क्रीन यूज करते हैं तो मतलब फिजिकली भी अफेक्ट होते हैं, मेंटली भी अफेक्ट होते हैं, इमोशनली भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो फिर मैं क्या की मॉड्यूल डेवलपमेंट की, तो मॉड्यूल डेवलपमेंट में मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मॉड्यूल जो है उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, ठीक है। तो उस समय हम इंटरनेटर रिलायबिलिटी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेटर रिलायबिलिटी में जो है हम इतना डिटेल में मत जाइए, क्योंकि ये देखिए ये जो जिनको एक्सपेरिमेंट करना होता है या रिसर्च करना होता है ये सारा डिटेल उनके लिए है। बस जानिए कि इंटरनेटर रिलायबिलिटी एक रिलायबिलिटी का टाइप है कि जब भी हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं, मॉड्यूल डेवलप करते हैं, तो उसमें हम इंटरनेटर रिलायबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें जो है रेटर मतलब जो है, मान लीजिए जैसे कि मैं आपको एक कहानी की तरह समझा समझा देती हूँ कि मान लीजिए मैं कोई मॉड्यूल बनाई, मैंने अपना ही स्क्रीन टाइम पे मैं मॉड्यूल बनाई, फिर मैं क्या की उसको जो है जितने भी एक्सपर्ट है मेरे फील्ड में जिन्होंने स्कूल के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, स्कूल के बच्चों के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, जो जो साइकोलॉजिस्ट है जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल बहुत अच्छे से समझते हैं, जो जो जिन्होंने PhD योगा में किया हुआ है, जिन्होंने खुद मॉड्यूल डेवलप किया है, तो मैं ऐसे रेटर्स मतलब बना ली, मतलब ऐसे एक्सपर्ट का टीम बना ली, मैं 10 एक्सपर्ट ऐसा लेके आई कि जो मेरे मॉड्यूल को वैलिडेट करे कि कौन सा प्राणायाम देना चाहिए, कौन सा उनको जो है क्रिया देना चाहिए, कौन सा आसना देना चाहिए, इस तरह करके जो है मैं एक एक्सपर्ट का टीम बना ली। और वो एक्सपर्ट ने क्या किया उसको वैलिडेट किया कि नहीं ये जो है ये कपालभाति होना चाहिए, ये त्राटक प्रैक्टिस होना चाहिए, ये सूक्ष्म व्यायाम होना चाहिए, और कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि नहीं ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह करके उन्होंने मुझे जो है एक 10 10 एक्सपर्ट के हिसाब से मैं जो है उनके ओपिनियन के हिसाब से कि जो मैं 10 प्रैक्टिस बनाई थी 10 एक्सपर्ट के बेसिस पे, तो 10 में से मान लीजिए कि मेरे 5 प्रैक्टिस ऐसे थे कि जिन्होंने 50% एक्सपर्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, तो मैं उसको हटा दी, सिर्फ 5 प्रैक्टिस ही मेरे पास बचे। उसके बाद फिर क्या होता है लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो, जिसको CVR रेशियो कहते हैं, ये हम इसको ये फॉर्मूला लगा लगा करके फिर हम जो है इंटररेटर रिलायबिलिटी निकालते हैं उसका, ठीक है। इंटररेटर रिलायबिलिटी निकालने के बाद फिर जो है हम उसको अपने मॉड्यूल में शामिल करते हैं कि कौन सा प्राणायाम मेरे मॉड्यूल में आएगा, कौन सा आसना आएगा, कौन सा जो है क्रिया आएगा, इस तरह करके, ठीक है। तो इसको बहुत डीप में नहीं समझना है, जब आपको रिसर्च करना होगा तब आपको ये पढ़ना है, यानी तो आप कभी फ्यूचर में कोई स्केल डेवलपमेंट करना चाहते हैं PHQ-9 की तरह या मॉड्यूल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको इंटररेटर रिलायबिलिटी पढ़ना होगा कि इंटररेटर रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं। और इसका डिटेल वीडियो भी मेरा बना हुआ है कि मॉड्यूल कैसे डेवलप करते हैं, वो आप देखेंगे YouTube में सर्च करेंगे तो आपको ये इसका मैं पूरा बताई हूँ कि इसको कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे मॉड्यूल डेवलप करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में आपको मन हो किसी चीज के ऊपर मॉड्यूल डेवलप करने का तो ये आपको पढ़ना हो पूरा डिटेल, लेकिन नेट के लिए बस ये जान लीजिए कि इंटररेटर रिलायबिलिटी का एक टाइप है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी बहुत डीप में नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना जान लीजिए कि रिलायबिलिटी होता क्या है और रिलायबिलिटी के कितने टाइप है, इतना ही काफी है आपके लिए नेट एग्जाम के लिए। जब आपको रिसर्च करना होगा तो फिर इसको और डिटेल में पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो अब आप पहले सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए कि रिलायबिलिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या है, बस इससे ज्यादा नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है। समझ में रिलायबिलिटी क्या है? जी मैम, जी मैम, ठीक है, यस मैम, तो ये हो गया और आपका वैलिडिटी रिलायबिलिटी ये खत्म हो गया आपका यहाँ पे। और मैं आपको थोड़ा डीप में ही पढ़ाई हूँ, डिटेल में ही पढ़ाई हूँ, इतना डिटेल में आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर डिटेल पढ़ के जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी नेट डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं। इसमें कोई डाउट हो आपको तो पूछिए मेरे से, अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट लग रहा हो, आपको लग रहा है कोई चीज नहीं समझ में आया हो आपको। मैम इंटरन मैम एक बार थर्ड और फोर्थ बता दीजिए दोबारा। कौन सा ये स्प्लिट हाफ थर्ड और इंटरनल, फोर्थ? यस अच्छा मैम, इंटरनल कंसिस्टेंसी। देखिए इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है ना कि ये स्प्लिट हाफ की तरह ही है, लेकिन स्प्लिट हाफ में हम दो दो भाग में बांटते हैं, ठीक
ठीक है, हाफ हाफ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन ईयर में 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 इधर ले लिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 5 ले लिए, उसके बाद फिर उसका जो है स्प्लिट हाफ निकाल रहे हैं। लेकिन इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि हम 10-10 क्वेश्चन है तो उसको जो है दो भाग में नहीं डिवाइड करके 5-6 भाग में डिवाइड डिवाइड कर लेते हैं कि मतलब 10-10 क्वेश्चन है तो पहले हमने दो दो लिए, फिर हमने 4 लिए, फिर मान लीजिए फिर 5 लिए, मतलब इस तरह करके उसको खिचड़ी की तरह वो मिक्स मिक्स हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं कि हम दो भाग में ही डिवाइड करेंगे 10 क्वेश्चन को 5-5 में, उसमें क्या होता है कि हम दो में भी कर सकते हैं, 3-3 करके भी कर सकते हैं, कभी एक ले लिए तो किसी का जो है दो ले, मतलब उसको किसी भी तरह से हम डिवाइड करेंगे बहुत बहुत बार। उसके बाद चेक करेंगे कि आपकी रिलायबिलिटी कैसी है, और जो क्रॉम्बेक अल्फा हमारा दिया हुआ था कि ग्रेटर देन 0.9990 मतलब उस तरह का आता है तो जो है आपका बहुत अच्छा रिलायबिलिटी है, तो आपकी क्रॉम्बेक अल्फा बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। तो उसको कहीं पे भी हम करेंगे उस रिसर्च को, तो इसका मतलब कि वो रिसर्च का जो रिजल्ट है वो वैसा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों सेम ही है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी और इंटरनल कंसिस्टेंसी जिसको आप क्रॉम्बेक अल्फा बोलते हैं। बस इसमें इसको हाफ में डिवाइड किया है और इसको मल्टीपल हाफ में डिवाइड किया है, इसको मल्टीपल टाइम डिवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि नापना तो हमको एक ही आइटम है ना। जैसे कि मैं आपको PHQ-9 का एग्जांपल दी थी कि नापना तो हम लोगों को डिप्रेशन ही है और उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिप्रेशन से रिलेटेड ही है, तो अब उसको हम दो करके नापे, 5 करके नापे, 3-3 करके नापे, तो उसमें क्या होगा, उसका रिजल्ट तो वैसा ही आना चाहिए जो पूरा ओवरऑल रिजल्ट आया हमारा। तो जब हम सॉफ्टवेयर पे निकालते हैं तो सॉफ्टवेयर हमें डायरेक्ट निकाल के दे देता है, ठीक है। जब भी हम सॉफ्टवेयर पे निकालते हैं, ये हम सॉफ्टवेयर पे निकालते हैं कि हमें क्रॉम्बेक अल्फा जानना है, तो हम SPSS पे, जमोबी पे, जो भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे हमने डाल दिया अपना डेटा। उसके बाद फिर जो है क्रॉम्बेक अल्फा पे मतलब हमें जो उसका फॉर्मूला होता है वो हमने डाला और जो है उसको बस एक क्लिक करके वो हमारा आ जाता है कि इसका क्रॉम्बेक अल्फा कैसा है। तो इसमें जो है सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से इसको डिवाइड करती है 4 बार 5 बार 6 बार, इसमें तो दो ही बार हो रहा है, इसमें जो है बहुत बहुत बार होता है, उसके बाद जाकर के उसका कंसिस्टेंसी उसकी रिलायबिलिटी आती है। और इसमें क्योंकि वैल्यू भी दिया हुआ है कि रिलायबिलिटी इतनी आएगी तो ये होगा, ये पुअर होगा, ये गुड होगा, ये वेरी वेरी गुड होगा, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब ये ज्यादा अच्छा है क्रॉम्बेक अल्फा निकालना, ठीक है। थर्ड वाला और कौन सा पूछे थे आपने, और कौन सा पूछा था आप लोगों ने? फोर्थ वाला इंटररेटर रिलायबिलिटी। देखिए फोर्थ वाला क्या है ना, मैंने कहा ना आपको कोई स्केल डेवलपमेंट करना है या मॉड्यूल डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक मॉड्यूल डेवलपमेंट का मैं पेपर दे दूंगी आपको ग्रुप पे, उस पेपर को पढ़िए कि हमने अगर आपको मॉड्यूल डेवलप करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मॉड्यूल बनाएंगे। आपको लगेगा जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जो बीपी के पेशेंट है, मुझे लगेगा कि मुझे योगा का, अब हम सारा आसना सारा प्राणायाम तो सबको नहीं दे सकते हैं ना, हम तो बीमारी के अकॉर्डिंग देते हैं, हमारा तो योगा थेरेपेटिक योगा है, हम तो रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कि कौन सा योगा प्रैक्टिस देना है कौन सा नहीं देना है। तो मान लीजिए कि जो है मुझे एक मॉड्यूल बनाना है हाइपर मतलब जो बीपी के पेशेंट है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मॉड्यूल बनाऊंगी, उसमें कुछ आसना डालूंगी, कुछ प्राणायाम डालूंगी, कुछ उसमें क्रिया डालूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जो भी उस फिर मैं एक्सपर्ट का टीम बनाऊंगी कि मैंने जो मॉड्यूल बनाया है उसमें कौन कौन से एक्सपर्ट है, मतलब कौन कौन से एक्सपर्ट आएंगे मेरे मॉड्यूल को वैलिडेट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, कुछ एक्सपर्ट जो है मैं जो मतलब जो हाइपरटेंशन के डॉक्टर्स है, जो बीपी में स्पेशलिस्ट है, जो मतलब बहुत जो जिनकी जो है स्पेशलिटी उसमें, मैं कुछ ऐसे डॉक्टर्स को ले लूंगी, कुछ PhD स्कॉलर को ले लूंगी, यानी तो कुछ ऐसे स्कॉलर्स को लूंगी जिन्होंने ऑलरेडी योगा मॉड्यूल बनाया हुआ है या बच्चों के ऊपर बनाया है, क्योंकि मेरा जो है मान लीजिए कि बच्चों के ऊपर है या एडल्ट के ऊपर है, बीपी का हम एडल्ट के ऊपर ही रखते हैं। कुछ एक्सपर्ट मैं ले लूंगी जो है साइकोलॉजिस्ट ले लूंगी। तो इस तरह करके मैं ना पहले एक्सपर्ट का टीम बना ली कि ये इस जो भी मेरे एक्सपर्ट होंगे उनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, उनको ये आना चाहिए। मान लीजिए मैंने जो है 10 एक्सपर्ट का टीम बना लिया और 10 एक्सपर्ट को अपना योगा मॉड्यूल दिखाई कि सर ये देखिए ये मैंने अपना योगा मॉड्यूल बनाया बीपी के ऊपर, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा आसन कौन सा प्राणायाम या क्या होना चाहिए और क्या हटाना चाहिए।
तो उन्होंने यस दे दिया कपालभाति के ऊपर, नो दे दिया जो है सूर्य नमस्कार। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको सीरियसली मत 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 लीजिएगा। तो नो 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 दे दिया जो है सूर्य नमस्कार के ऊपर, तो इस तरह करके यस नो करके उन्होंने, एक जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने दे दिया, अपना डेटा दे दिया कि देखो ये प्रैक्टिस होना चाहिए, ये प्रैक्टिस। तो इस तरह करके 10 एक्सपर्ट का डेटा मिल गया ना मुझे। फिर वो 10 एक्सपर्ट को जो है मैं देखूंगी कि मतलब किस, जैसे मान लीजिए कि कपाल भाती पे कितने लोगों ने यस किया है, मान लीजिए 10 में से 6 लोगों ने यस किया है, तो मेरे 6 एक्सपर्ट ने इसको यस किया है, 50% से ज्यादा का वैल्यू आ गया, तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगी। उसके बाद फिर जो है ये इंटर डेटा रिलायबिलिटी, इस रिलायबिलिटी का इस्तेमाल करके जो मैंने सीवीआर रेशियो आपको बताया है, कंटेंट वैलिडिटी रेशियो, इसका एक रेशियो आता है, एक पेपर है सीवीआर रेशियो का, कि अगर जैसे कि इंटरनल कंसिस्टेंसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इतना में इतना एक्सीलेंट हो गया, उसी तरह सीवीआर में भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो उस वैल्यू के, और हम उसमें लॉसी फॉर्मूला लगाते हैं, तो जब वो वैल्यू वापस से मिलता है, मतलब उतना या उसके बराबर होता है, उसके बराबर या उससे ज्यादा होता है, तो उस आइटम को, मतलब उस मॉड्यूल को जो मेरा कपाल भाती है, मान लीजिए कपाल भाती का जो है 90 था वैल्यू मेरा, और वैल्यू जो है जो एक्सपर्ट जो मैंने लॉसी फॉर्मूला से निकाला वो भी मेरा 90 आया, तो मैं क्या करूंगी, कपाल भाती को अपने मॉड्यूल में इंक्लूड कर लूंगी। उसी तरह मान लीजिए सूर्य नमस्कार का है, तो उसमें एक वैल्यू आता है, तो उस वैल्यू को हमें देखना होता है कि 10 एक्सपर्ट के हिसाब से कितना वैल्यू है और हमारा वैल्यू जो है लॉसी फॉर्मूला लगा के कितना आ रहा है। अगर उससे बराबर या उससे ज्यादा होता है तो उस मॉड्यूल को, उस जो मॉड्यूल हमने बनाया है जो उसके आइटम से, उसको हम लेते हैं, यानी तो अगर उसके उससे नीचे है, मान लीजिए 0.90 से नीचे है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। इसका पूरा वीडियो बना हुआ है मेरा, अगर आपको मतलब इतना डिटेल नेट के लिए नहीं पढ़ना है, अगर आपको जानना है तो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं बिल्कुल डिटेल में किस पेपर में दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ बताइए उसमें, ठीक है। तो यही है आपका इंटर डेटा रिलायबिलिटी, जब हम स्केल डेवलपमेंट या मॉड्यूल डेवलपमेंट करते हैं। मैम थोड़ा सा टेस्ट रिलायबिलिटी बता टेस्ट दीजिए। टेस्ट रिलायबिलिटी है कि मान लीजिए जैसे PHQ-9 का रिलायबिलिटी, मतलब हमें जो है जो आपका रिजल्ट आया है उसको निकालना है कि वो सही है कि नहीं आया है, वो कितना रिलायबल है आपका वो PHQ-9 का रिजल्ट। तो उसमें क्या होता है कि पहले एक बार हम करते हैं फिर से दोबारा से, तो ये ना सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, मतलब ये दिखता नहीं ना मुझे, मुझे दिखता ना आपको, आपको दिखेगा, बस हमने बस हमने इसको टेस्ट रिसर्च पे डाल दिया, बस हमारा जो है रिलायबिलिटी वैल्यू आ गया उसमें, ठीक है। तो बस हमने बस ये मतलब ये ऑप्शन चूज कर लिया हमने कि हमें जो है टेस्ट टेस्ट निकालना, स्प्लिट हाफ निकालना, बस वो सॉफ्टवेयर हमने हमने डाला और सॉफ्टवेयर निकाल करके रिजल्ट के साथ हमें बता दिया कि मतलब इसको एक ही टेस्ट को हम बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, इसीलिए इसको टेस्ट टेस्ट बोलते हैं। उसी टेस्ट को जैसे PHQ-9 का है, तो एक बार किया फिर से दोबारा से किया फिर से दोबारा से किया, तो इस तरह जब हम करते हैं तो उसको हम टेस्ट रिटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और स्प्लिट में हम तोड़ तोड़ के करते हैं, ठीक है। मैम इस तरह से जब हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं, मैंने कहा था ना रिसर्च आपका साइंटिफिक है, साइंटिफिक का मतलब ही होता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब से। अब आप बोलेंगे मेरा रिसर्च बहुत रिलायबल है, तो हम कैसे जानेंगे, तो आप जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के जब उसको जो है कंफर्म करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आपने रिसर्च कैसा किया है, आपका रिसर्च कैसा है, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, ठीक है। तो ये आपका था रिलायबिलिटी। कुछ और पूछना है तो बताइए इसमें, नहीं तो फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछ रहे थे वो हम ले लेंगे एक बार। नहीं मैम नहीं पूछे, नहीं पूछ रहा मैम। आपके वीडियो कहाँ पे है मैम? ये MDY वाले चैनल में ही बना हुआ, नहीं तो मैं ग्रुप अच्छा पे डाल अच्छा दूंगी, मैं ग्रुप पे जी डाल जी दूंगी, मैंने कहा सोचा मैडम मैं कोई आपका स्पेशल। नहीं, ये इसी चैनल में बना है, ये जो जितने भी रिसर्च स्कॉलर है MDY के उनका भी क्लास लेती हूँ मैं, ठीक है। वो PhD का बना हुआ, PhD वाले क्लासेस में बना हुआ है। तो ये है आपका टेस्ट से, मतलब ये यहाँ आज रिलायबिलिटी आपका खत्म हो गया। रिलायबिलिटी क्या होता है, कितने तरीके का होता है, बस इतना ही जानिए अपने नेट एग्जाम के लिए, जब आप रिसर्च करेंगे, PhD करना होगा या डिजिटेशन पे काम करेंगे, तो आपको इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, तो वैलिडिटी रिलायबिलिटी खत्म हो गया हमारा, नेक्स्ट क्लास में होगा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। चलिए इसको हम कल कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस था किसी का शुरू में पूछ रहे थे, बताइए सिनॉप्सिस में कुछ समझ में नहीं आया था आपको? मैम ये था कि जो एंशियंट लिटरेचर व्यू है और मॉडर्न लिटरेचर व्यू है, ये थोड़ा सा बता दीजिए कैसे देखेंगे? देखिए एंशियंट लिटरेचर रिव्यू होता है जो आपके योगा टेक्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, योगा टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो योगा टेक्स्ट में जैसे कि मान लीजिए मेरा मोबाइल एडिक्शन पे है, तो वो कौन सा वर्ड है योगिक टेक्स्ट में जो मेरे मेरे एडिक्शन को डिफाइन करेगा? तो जैसे हो गया राग, राग क्या होता है पतंजलि योग सूत्र में आपने राग पढ़ा होगा ना, अटैचमेंट है ना, जब क्रैविंग होता है कोई चीज का, मतलब राग इसी को बोलते हैं ना, कि जो है बच्चे जो मोबाइल एडिक्टेड होते हैं या जब हम एडिक्शन पे करते हैं, तो राग एक वर्ड है आपका पतंजलि योग सूत्र में। तो जो है तो वो जो है हमारे वो जो सूत्र है वो हमारे जो है रिसर्च को डिफाइन करता है कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट बुक में वो चीज कहाँ लिखा है, आयुर्वेदा में कहाँ लिखा है या योगा में कहाँ पे लिखा है। तो वो जो है जो हम लोग जो एंशियंट लिटरेचर रिव्यू जो सूत्र और श्लोका डिफाइन करता है वो हमें लिखना पड़ता है मीनिंग के साथ, और वो कैसे रिलेटेड है, वो हमारे रिसर्च से ये वर्ड कैसे रिलेटेड है ये भी डिफाइन करना पड़ता है कहाँ पे है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में रागी दिया हुआ है, तो ये किस श्लोका में किस सूत्र में दिया हुआ है, सूत्र नंबर क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे एडिक्शन से कैसे जो है रिलेटेड है, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं अपने एडिक्शन वर्ड से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंशियंट लिटरेचर रिव्यू। तो हम लोग की यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पीएचडी करते हैं या डिजर्टेशन होता है एमएससी का, तो हम लोग को एंशियंट लिटरेचर रिव्यू भी करना होता है कि हमारे एंशियंट लिटरेचर वही हमारा मेन हुआ ना, हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो भी हमें लिखना पड़ता है कि हमारा जो एंशियंट लिटरेचर रिव्यू है कितने सारे बुक्स में जो है आपको कहाँ कहाँ दिया हुआ है। और अगर आप थेसिस देखेंगे तो उसमें से मतलब 1/3 तो आपका जो है एंशियंट लिटरेचर रिव्यू से ही भरा होता है। तो आप वो हो गया आपका एंशियंट लिटरेचर रिव्यू, और मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू वो हो गया जो आप पबमेड में और इन सब चीजों में देखते हैं, ठीक है, जिसपे रिसर्च हुआ हुआ है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है वो एंशियंट लिटरेचर रिव्यू हो गया, ठीक है। मैम उस पे तो सब इंग्लिश में ही दे रखा होता है ना मैम, जो पढ़ते हैं हमको? हाँ वो इंग्लिश में, ऐसे बहुत सारा जो है, पिछली बार भी मेरे से किसी ने पूछा था कि हिंदी में हम रिसर्च पेपर लिख सकते हैं कि नहीं, तो यूजीसी जब आप यूजीसी केयर वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो उसमें है हिंदी में भी बहुत 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 सारे हैं, लेकिन आपको संस्कृत और इंग्लिश में लिखना होता है, संस्कृत और इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखना होता है कि वो श्लोका या सूत्र आपके आपके टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, आपके रिसर्च टॉपिक में कहाँ पे लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को दो दो लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, एक एंशियंट लिटरेचर रिव्यू और एक मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू, ठीक है जी मैम, ठीक है। और देखिए एक मेरा कल आपको मैं बताई थी ना क्यूरियस का, तो वो मैं सौरभ जी से ही सुबह मैंने मेरी बात बात हो रही थी, तो देखिए ये मेरा कल आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये तो अभी वेबसाइट पे दिख रहा है, पबमेड में आपका 6 वीक के बाद बाद आएगा ये, तो ये मेरा ही जो है ये है, देखिए ये मेरा मेरा नाम है जो फर्स्ट फर्स्ट रिसर्च स्कॉलर का मैं बताई थी, ये मेरी जो है गाइड है जिसको हम रिसर्च सुपरवाइजर बोलते हैं, अब गाइड नहीं बोलते हैं, और ये मेरे को रिसर्च सुपरवाइजर है, ये दोनों सर हमारे निमहांस के हैं, नितिन सर और मनोज शर्मा सर, ठीक है। तो ये 12 अक्टूबर को ही पब्लिश हुआ है मेरा, तो ये सिर्फ अभी क्यूरियस की वेबसाइट पे दिख रहा है, ये नेचर का है वेबसाइट, ये क्यूरियस का उस दिन भी मैं पेपर दिखाई थी ना आपको, जब हम लोग गूगल सर्च कर रहे थे तो सबसे पहले क्यूरियस का ही पेपर आया था हमारे पास। तो मैम जैसे ये आपके पेपर में हो गया, आप मेन रिसर्चर हो गए, फिर आपकी गाइड हो गए, ऐसे ही हम जब बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना मैम, वो बहुत सारे ऑथर आते हैं, आपने पहले बता चुके, वो तो समझ गए एट ऑल करके लिखना, ये नहीं समझ पा रही वो सभी मिलके एक ही रिसर्च को कर रहे होते हैं, या वो भी ऐसे गाइड को गाइड या और भी ऐसे
वो तो इतने लिमिटेड बंदे ही हो गए ना, जैसे 5 से 6, लेकिन कई बार ना बहुत सारे रिसर्चर के नाम ऑथर में वो दिया हुआ होता है, तो वहां किस कॉन्सेप्ट में समझे उसको कैसे? देखिए, जो सबसे पहला होता है तो वो तो रिसर्चर का, जो मेन मेन रिसर्चर है, ठीक है, जो मेन रिसर्चर है उसका नाम सबसे पहले ही मिलेगा आपको। ये देखिए, मेरे इसके ऊपर एक ये लेटर बॉक्स जैसा सिंबल भी बना हुआ है ना, तो यस मैम। मैं इसकी क्रॉस्पॉन्डिंग ऑथर भी हूँ। क्रॉस्पॉन्डिंग ऑथर का कहने का मतलब है कि जो भी क्यूरियस के साथ जो भी मतलब पेपर भेजा गया है या जो भी पेपर में करेक्शन किया गया है, वो मेरे मेरे तरफ से किया गया है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें मेरा जो है आपको ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सब सब कुछ दिखता है इस पे से। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ तो मेरा खुला हुआ है, तो ये जो है मैं, तो अगर आप ग्रुप में यहाँ पे भेज क्लिक करके, देती हूँ मैं। हाँ अगर मुझे यहाँ क्लिक करके भेजते हैं तो ये सीधे मेरे, हाँ हेलो, रुक जा, चार्ज हो गया, मैं लगा लूँ। यस मैम। ठीक है। तो ये देखिए, यस ये जो है ना, और आप जो दूसरा होता है वो हमेशा देखिए, ये तो मेरा पीएचडी स्टडी है ना। अब मान लीजिए कि मैं ये पीएचडी स्टडी नहीं नहीं होता, पीएचडी स्टडी में तो आपको सब सारे गाइड का, को गाइड का, या रिसर्च सुपरवाइजर का, या को रिसर्च सुपरवाइजर का, आपको सबका डिटेल देना होता है जो आपका पीएचडी स्टडी होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरा पीएचडी हो गया तो फिर मैं इंडिविजुअल अपना ही नाम दूंगी सिर्फ। और मान लीजिए कोई बहुत बड़ी स्टडी है, मान लीजिए मैंने 3,000 4,000 डेटा मुझे कलेक्ट करना है, तो क्या मेरे अकेले से होगा? हो सकता है उसमें हॉस्पिटल वाले का भी नाम देना हो सकता है उसमें जो मुझे जो जो हेल्प कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि मेरा मेरा भी नाम दो, मेरा भी नाम दो। तो ऐसे केस में जब बहुत सारे राइटर होते हैं तो हम एट ऑल ही लिखते हैं उसको। अच्छा मैम, मैं यही पूछना चाह रही थी, जैसे हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट किया इधर उधर से, तो उसको हाँ भी ऑथर में ही वो मेंशन करते हैं क्या? हाँ मैं यही पूछना चाह रही थी मैम कि नहीं, वो कर वो। कर कर देखिए, जब आपका रिसर्च होता है ना तो मेरा मर्जी, देखिए अगर मेरा पीएचडी रिसर्च है तो मेरा मर्जी नहीं है, जो गाइड है, को गाइड है, जो रिसर्च सुपरवाइजर है, वही मुझे लिखना है। लेकिन मान लीजिए मेरा इंडिविजुअल रिसर्च हो, मैंने यस पीएचडी मैम। में हो गया, और यानी तो अभी भी मैं चाहूँ कि मेरा इंडिविजुअल पेपर लिखना है मुझे, तो वो मेरी मर्जी है कि मैं किसका नाम देती हूँ, नहीं देती हूँ, या सिर्फ अपना ही नाम नाम देती हूँ, ये आपके ऊपर है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर हेल्प करती है तो आप वो कहते हैं कि मेरा मेरा नाम दो पेपर में, या कुछ बहुत 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 बार ऐसा होता है तो उनके हेल्प के बदले हमें उनका नाम देना होता है, यानी तो एक नॉलेज करना होता है जो भी हमारे रिसर्च में हेल्प करते हैं। मतलब मेन तो रिसर्च जो स्टार्ट किया है और किया है वो मतलब स्टार्टिंग पे ही होता है उनका नाम, जो मेन होते हैं बाकी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सबसे पहला नाम होता है वो मेन मेन रिसर्चर होते हैं आपके। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना, इसमें देखिए क्यूरियस का अपना स्टाइल होता है। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है, जैसे मेरा लिखा है मनीषा मोना, तो मेरा क्या लिखा हुआ है, मोन मतलब मेरा टाइटल जो है पहले आया है, और जो मेरा फर्स्ट नेम है वो बाद में आया है। तो ये ना कोई एपीए का है, ये ना वैंकूवर स्टाइल है, क्यूरियस का अपना स्टाइल होता है। मैं आपको बताई थी ना कि एपीए स्टाइल, इस पे क्वेश्चन आता है आपका, एपीए स्टाइल होता है, एमएलए स्टाइल होता है, तो क्यूरियस का अपना स्टाइल होता है, जो नेचर के जितने भी जर्नल है वो लोग अपना ही स्टाइल करते हैं फॉलो। ये लिखने का तरीका होता है, जब हमें किसी को साइट करना होगा, मेरे मेरे आर्टिकल को कोई साइट करेगा, मान लीजिए कल आप अपने पेपर में करते हैं, तो ये आपको ऐसे ही दिखेगा, ये ऐसे ही आएगा आपका, आपको ऐसे ही करना होगा। अगर उस जर्नल में एपीए में लिखना है तो फिर आपको इसको एपीए में चेंज करके डालना होगा, ठीक है। क्यूरस में मोना एम आएगा ना मैम? अच्छा हाँ, इसका अपना ये है, तो ये जो है आपका ये मैम, ये पेपर ग्रुप पूरा में भेज करके, दीजिएगा, मैं हम पढ़ ये के पेपर देखते हैं। मैं इसको जो है मैं इसका लिंक ही कर दूंगी शेयर, और आपको अच्छा लगेगा आर्टिकल तो आप यहाँ पे देखिए रेड भी कर सकते हैं, ठीक यस है, मैम करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रेड भी कर सकते हैं, यानी तो आप नीचे जाके कमेंट भी कर सकते हैं, नीचे आपका कमेंट का भी ऑप्शन है। और इसमें कैसे मैं बहुत ये अच्छे बहुत सरल शब्दों में मैं दिखाई हूँ आपको, कोई भी पेपर में आपको अगर डिफिकल्टी लगती है इसको पढ़ने के बाद तो आप मेरे से पूछ पूछ सकते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या लिखा है या कैसे हुआ, ये देखिए ये आप अपना यहाँ पे कमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। तो ये है आपका, ये मैं ग्रुप पे कर दूंगी। देखिए मैं PHQ-9 यूज की थी अपने रिसर्च में, उस दिन आपने पूछा था ना कि सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट। देखिए ये मेरा प्री 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 डेटा है, ये मेरा कौन सा ग्रुप है, योगा ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है,
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है ना आपका, एक्सपेरिमेंटल मैम, जी मैम, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और ये मेरा कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है मेरा जो वैल्यू आया है, जो मीन वैल्यू आया है वो आया है 39, सॉरी पीएचक्यू 9 दिखाया था मैंने, यहाँ पे जो मीन वैल्यू आया है वो मेरा आया है 11.34। ये मेरा प्री डेटा का है, मतलब योगा देने के पहले का है, ठीक है। फिर जब मैं पोस्ट डेटा ली तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू कम हो गया, मतलब डिप्रेशन कम हो गया, यहाँ पे 11.34 था जब मैं प्री डेटा ली थी योगा देने के पहले, और जब मैं योगा दे दी, जब मेरा पोस्ट डेटा आया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 7.42। तो ये सिग्निफिकेंट, 3 स्टार का मतलब हो गया कि ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, 1 स्टार का मतलब हो गया कि ये सिग्निफिकेंट है। अब देख लीजिए WHO का जैसे आया है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं आया है मेरे इसमें, है ना। तो ऐसे ही डेटा निकलता है आपका मीन वैल्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है माइनस और प्लस में। ये मैं आप लोग को पढ़ाना है मुझे, ये सारा चीज, इफेक्ट साइज क्या होता है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, ये सारा आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालना होगा। इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, पीएचक्यू 9 का जो मैं आपको भेजी हूँ, ठीक है। WHO 5 होता है, इसमें 5 क्वेश्चनेयर होते हैं और ये वेलबींग के ऊपर होता है आपका, मतलब आप कितने वेलबिंग, मतलब वेलबिंग का मतलब है कि जैसे आपका एग्जाम आने वाला है तो आप उसको कैसे ले रहे हैं अपने ऊपर, सोच सोच के बीमार हो जा रहे हैं या उसको एंजॉय कर रहे हैं, या नहीं तो आप उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको दिसंबर आते आते आपका जो है नेट पूरा हो जाए, ठीक है। तो वेलबिंग उसको कहते। तो जब मैंने जो मेरा मॉड्यूल है वो वेलबिंग पे काम नहीं किया, यहाँ पे 16 था, कम था और बढ़ गया, ये पोस्ट में बढ़ गया। तो जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल है स्मार्ट फोन एडिक्शन से, इसको पॉजिटिव में ले या नेगेटिव में ले, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं आया ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं आया, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट मैं बोलती हूँ ना कि रिसर्च सिग्निफिकेंट आना चाहिए, तो ये जो डेटा है मेरा WHO वेलबीइंग वाला, ये जो है मेरा सिग्निफिकेंट नहीं आया। मेरा जो है एंजाइटी जो है सिग्निफिकेंट आया, मतलब यहाँ 7 था तो यहाँ 6 हो गया। डिप्रेशन पे बहुत अच्छा मॉड्यूल काम किया कि 11 था तो 7 हो गया। मोबाइल एडिक्शन पे बहुत अच्छा काम किया कि 39 से सीधे 26 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे देखते हैं, तो जो सिग्निफिकेंट हुआ, कुछ सिग्निफिकेंट नहीं आया। तो कल को आप भी जब मेरे मॉड्यूल पे काम करेंगे तो आपका भी डेटा लगभग ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए। कुछ लिमिटेशंस, ये पेपर पढ़ के आइएगा तो फिर मैं आपको और इसी पेपर से सारा कुछ समझा दूंगी, क्योंकि ये मेरा ही पेपर है तो मुझे समझाने में मुझे आपको बहुत टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो फिर क्लास का टाइम हो गया है। मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे वो पेपर पढ़ रहे थे ना उसमें PMID ये सब आता है, क्या मतलब होता है इसका, क्या क्या पेपर मैम, वो आपने जैसे रिसर्च पेपर वो पढ़ने के लिए कहा था ना सबने, और जनरल्स वो, उसमें मैम PMID इसका क्या मतलब होता है, जैसे ना मैं PMID लिख के वो सेव तो हुआ नहीं मेरे उसमें, तो जब मैं सर्च कर रही थी ना वो सर्च भी नहीं हुआ वो पेपर, पता नहीं मुझे करना नहीं आया या। अच्छा BMI कह रही है आप, PMID BMID PMID अच्छा TMID, कोई भी आप वो पेपर जो आप पढ़ रही है ना उसको एक बार मुझे शेयर कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है ना कि हर रिसर्च का फील्ड अलग अलग होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो 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 मान लीजिए कि जो चांद सितारा पर भी करते हैं, उनके रिसर्च करने का तरीका, उनका कीवर्ड कुछ और होता है। जो डॉक्टर्स करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, उनका कीवर्ड कुछ, उनका मतलब देखिए रिसर्च का प्रोसेस एक ही है, तरीका एक ही है, लेकिन जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना बहुत बारी क्या होता है, वो लैंग्वेज अपने हिसाब से करते हैं यूज। अपने हिसाब से कहने का मतलब है कि योगा में जैसे बहुत सारा लैंग्वेज जो है उनको नहीं समझ में आएगा जिन्होंने योगा नहीं पढ़ा है ना। तो आप मुझे एक बार पेपर कर लीजिएगा शेयर, तो फिर मैं आपको 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 बता दूंगी। हम जो भी रिसर्च करते हैं उसका तरीका एक ही है, बस उसका कीवर्ड जो उसका मीनिंग है बहुत बारी हम नहीं समझते, तो वो हमें सर्च करके यानी तो पेपर पढ़ के समझना पड़ता है कि दिया क्या, ठीक है। ओके, बाकी किसी और को कोई प्रॉब्लम इसके अलावा कुछ, अभी कोई क्लास है आपकी इसके बाद? जी मैम तो मैम आ गई है, मैम लेती है ना क्लास आपकी? जी मैम
आ रही होगी, 10 मिनट बाद होगी। अच्छा ठीक है, चलिए तो फिर आप लोग 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर मैं एग्जिट करती हूँ, ठीक है।